अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सदाकत हुसैन, सेक्रेट टीचिंग में अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल की वीडियोस में उन इलाकों को, उन इमारात को, उन मसाजिद को और उन मुकद्दस मकामात को जो इस्लाम की तारीख के बारे में होते हैं, उनके बारे में अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, ये है इलाका तहसील मैरसी, ज़िला बिहाड़ी, मौज़ा थल्लू। यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये मज़ार है एक बहुत ही कदीमी बुज़ुर्ग, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े सगीर के इस्लाम के बाद जो कदीम तरीन और सबसे पहले जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाने वाले थे, उनमें से एक बुज़ुर्ग के मज़ार पर हम मौजूद हैं। ये मज़ार है जनाब हज़रत अबू बकर विराक रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 1000 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को राह खुदा में वक्फ कर दिया। नाज़रीन मेरे दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको उनकी ज़िंदगी के बाद जब वो अपनी लहद में उतर जाते हैं, तब भी उनकी कबूर को भी जिंदा रखता है, जिसका एक जीता जागता सबूत जो है इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जनाब हजरत अबू बकर विराक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। ये जो मज़ार है, यहाँ पर हम सबसे पहले फातिहा खानी करेंगे। मुहम्मद नजर नूर नक्शबंदी साहब इनका नाम है तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इस तख्ती की मदद से जो है हमें इस बुजुर्ग के बारे में जो है मालूम फराहम करें। जी मोहतरम नजर नूर साहब, आप कुछ बताएंगे। हज़रत अशा हज़रत अबू बकर बर्राक शहीद रजी मौज़ा थल्लू तहसील मैरसी ज़िला बिहाड़ी डिवीज़न मुल्तान। हुज़ूर ख्वाजा सैयद अबू बकर बर्राक शेख का लक़ब ताजुल आरिफ़ीन है और आप सिलसिले आलिया चिश्तिया के बहुत मशहूर और ज़बरदस्त बुज़ुर्ग हैं। जी, तो इन बुज़ुर्ग का जो लक़ब है वो है ताजुल आरिफ़ीन, और इनके सिलसिला के बारे में जो है बता रहे हैं हमारे दोस्त, इनका सिलसिला नस्ल कौन सा है? सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों में शामिल है। अच्छा, बाद लोग ये भी बयान करते हैं कि आप सिलसिला में सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीर भाई थे। जी, तो इनके बारे में जो ऑथेंटिक मालूमात है उनमें से एक ये कि ये अजमेर शरीफ वाले बुजुर्ग जनाब इज़्ज़त माँ मोहतरम लायके साद एहतराम जनाब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई हैं, यानी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर दस्ते बैत हैं और उनके खलीफा हैं। अव्वल आपका क़याम अजमेर शरीफ के करीब एक आबादी है जिसे तारागढ़ कहते हैं और उस गांव का नाम है, वहाँ आपका उस गांव से ताल्लुक है। सबसे पहले जो इन मोहतरम बुजुर्ग का जो क़याम था वो अजमेर शरीफ के करीब एक बस्ती या आबादी थी जिसका नाम तारागढ़ था, वहाँ पर जो है इनका क़याम था। तो वहाँ करीब ही मुसलमानों और कुफार के दरमियान एक आपस में बरसरे पकारी, यानी थोड़ी मुसलमानों और के दरमियान थोड़ा जी जिस तरह से झगड़ा हुआ, तो आप अपने तकरीबन नीले घोड़े पर सवार होकर कुफार के मुकाबले में जो है मैदान में आए। जी, जिस तरह से हमारे दोस्त आपको बता रहे हैं कि
जहाँ पर इनका कैंप था वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुसलमानों और काफरों के दरमियान जो है एक मारका आई होगी, जिस तरह से झगड़े साथ होते रहते थे उन्हीं में से कोई ऐसा झगड़ा पैदा हुआ जिसमें जो है जनाब जी जी इसी तरह से एक झगड़े में जो है हालात जो है एक मैदानी जंग की सूरत इख्तियार कर गए। तो इस जंग में जो है इन बुजुर्गों ने जननी जनाब हजरत अबू बकर बर्राक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंग में हिस्सा लिया जी, और मुसलमानों के साथ कुफार के खिलाफ जिहाद के लिए निकले। आप लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में शहीद हो गए जी। और इसी लड़ाई में इसी जंग में जो है मोहतरम बुजुर्ग का जो है विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, यानी शहादत हो, शहादत का जामनोश फरमा गए। तो आपका सरे मुबारक वही रहा, लेकिन बहुकम खुदा आप उस मैदान जंग से निकलकर अपने ही घोड़े पर सवार होकर मौजा धल्लू में एक शख्स नहायत ज़ईफुल उमर, जिनका इस्लाम लाने से पहले नाम नहीं है लेकिन इस्लाम लाने के बाद उनका नाम इमाम दीन था, वो उनको मिला उसके मकान के सामने। ये वाक्या हम अपने नाज़रीन को दोबारा बताएंगे कि वाक्या कुछ इस तरह से हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का बेहतरीन मुआजा इनकी करामत जाहिर हुई, और जिससे इन बुजुर्गों की जो है करामत जाहिर हुई कि जिस जंग में जो है इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, इनका सर मुबारक जो था वो वही मैदान जंग में मौजूद था, जबकि इनका जो जिस्म का बाकी हिस्सा मुबारक था वो अजमेर से जो है अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत कामला के ज़रिए यहाँ तक मौजा तल्लू जहाँ पर ये मदफून है यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ पर जो है इस एक मोहम्मद शख्स जिसका नाम इमाम दीन, इमाम इस्लाम लाने के बाद आपने खुद उनका नाम रखा इमाम दीन, तो वो मोहम्मद शख्स उस वक्त तक रवायात के मुताबिक मुसलमान नहीं था, उनको आपने आवाज़ दी जब ये बुजुर्ग आए उस वक्त तक मुसलमान नहीं था, बाद में जो है उसने इस्लाम कबूल किया जब उन्होंने इतनी बड़ी करामत देखी और अपना सर उनसे उठवाया, और तो ये सब कुछ देखकर फिर वो मुसलमान हो गया। अच्छा, उनको आप उनके दरवाजे पर वो घोड़ा आकर खुद रुका, ये भी कुदरत कामला का बहुत बड़ा, बगैर सर के उस जिस्म मुबारक से जो के शहादत का जाम नोश फरमा चुका था, उनसे आवाज आई कि ए इमाम दीन, उनका नाम लेकर जो सवाल वो पुकार के कहा कि आप बाहर आए। वो बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकला, जब उन्हें इस हालत में देखा कि सिर्फ घोड़े पर धड़ है सर नहीं लेकिन आवाज भी आई है, तो वो देख कर बहुत डर गया। फिर आवाज आई कि डरो मत, आप मत डरो, आप ऐसा करो कि फला जगह पर जाकर, यानी उस तारेगढ़ के मैदान जंग में जाकर वहां से मेरा सर उठा लाओ। जी, जब ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने एक घर के दरवाजे के सामने जो है इनके घोड़े ने अपना रुकने का मकाम मुकर्रर किया, और जो दाढ़ मुबारक था, सर मुबारक तो मौजूद था नहीं तारागढ़ में, तो दाढ़ मुबारक से आवाज़ आई इमाम दीन, उस शख्स को उसके नाम से पुकार कर बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और उसके बाद की बात जो है आपको हमारे दोस्त बता रहे हैं जी। जब उन्हें बुलाया तो उन्हें कहा, जहाँ उनको मुकम्मल एड्रेस बताया, सब कुछ बताया। एक रवायत के मुताबिक उस बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर आप कौन हैं, उन्होंने अपना नाम बताया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों और कुफार के दरमियान एक मैदानी जंग था, उसमें मैं कुफार के खिलाफ लड़ा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे ये शहादत का रुतबा दिया है और मेरा सर वहीं है, मुझे अल्लाह के हुक्म से यहाँ जो है बुलाया गया है, मैं यहाँ दफन हूँगा लेकिन मेरा सर वहीं है। तो वो कहने लगे कि जब इतनी यानी दिल में सोचा कि इतनी माशाल्लाह इनकी ये करामत है, तो उन्होंने कहा पहले मुझे मुसलमान करें फिर मैं आपका काम करूँगा। तो आपने उन्हें कलमा पढ़ाया और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, फिर उनका नाम इमाम दीन रखा गया। फिर उन्होंने पूछा कि हुजूर आपका सर मैं कैसे लाऊं, तो आपने फरमाया कि मेरे यहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जो है ना मेरी रकाब पर जहाँ मेरा पाँव है
वहां अपना हाथ रखें और अपनी आंखों को बंद करें। आपने वहां आकर उनकी रकाब पर आपके पांव पर जो है ना हाथ रखा और आंखें बंद की, तो वो मैदान जंग में था। तो आपने शुरू से ही एक निशानी दी थी कि बहुत सारे मुसलमानों के सर मौजूद होंगे, सबके साथ एक एक दिया जल रहा होगा, लेकिन जो मेरा दिया होगा वो चार मुखिया होगा, यानी चार उसमें वो रखी जाती है ना जलने वाली बटें, तो वो जल रही होंगी, वो मेरा सर होगा और मेरा सर मेरी जुल्फें सबसे यानी भारी सर होगा। तो फिर वहाँ जब वो पहुँचा, उसने उठाया, तो फिर उसे ख्याल आया कि मैंने वहाँ भी आँखें बंद की थी और यहाँ भी मुझे शायद ऐसे मुझे पहुँचना होगा। तो उन्होंने सर मुबारक को उठाया, सीने से लगाया, आँखें बंद थी, आँखें बंद की तो हुजूर ख्वाजा सैयदी शेख अबू बकर बराक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने वो मौजूद था। उसके बाद आपने आते ही सबसे पहले जो दुआ करवाई, कहा कि मेरी औलाद नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। आपने फरमाया कि आपकी बहुत ज़्यादा औलाद होगी, तो उस वक्त उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ जो है वो कर दी है, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल करम से आपको औलाद देगा। फिर उसी बुज़ुर्ग खातून से जिनका रवायतों में आता है कि उनसे चला भी नहीं जाता था, उसी से फिर औलाद हुई और बहुत ज़्यादा औलाद हुई, तकरीबन भट्टी खानदान उन्हीं की औलाद से है। तो इस तरह आपका सरेनवर यहाँ बहुक्म खुदा यहाँ पहुँचा और अपने जिस्म मुबारक के साथ लगवाकर आप दोबारा अपनी जगह बताकर वहाँ आप मदफून हो गए, तशरीफ़ फरमा हो गए। और उस बुज़ुर्ग को बावजूद ज़ईफ़ुल उम्री के आपकी दुआ से जो है उनको बहुत कसीर औलाद नसीब हुई और वो इस वक्त तक भी मुजावरी का फरीज़ा सरंजाम दे रही है। हुज़ूर ख्वाजा सैयद अबू बकर वराक शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो लकब वराक है, उसकी वजह तस्मिया ये है कि आपके पीर साहिब हर रोज़ एक वर्क आपको लिख दे दिया करते थे कि इसे दरिया में डालकर आओ। जब वो वर्क आप वहाँ से लेकर निकलते तो दरिया में डालते, और पीर मुर्शिद का ये हुक्म था कि एक जवाब में कोई वर्क आपको मिलेगा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो एक वर्क आप दरिया में डालते और दूसरा वर्क लेकर अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में पेश कर देते। तो ये बहुत अरसा काम किया पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील में, तो इस वजह से आपका नाम वर्राक जी। तो कुछ नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इनका जो लकब वराक पड़ा, इसकी वजह तस्मिया क्या थी। हमारे दोस्तों ने जैसा कि बताया कि, और ये एक तारीखी कतबा है जिसकी मदद से जो है आपको मालूमात दी जा रही हैं। तो इस तरह से था कि जब हजरत अबू बकर वराक रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे, तो उनके पीर मुर्शिद की तरफ से हुक्म था कि आपने एक वर्क मुझसे लेकर जाना है और हर रोज़ दरिया में डालना है, वहाँ से आपको एक वर्क बदले में मिलेगा, उसको लाकर जो है पीर मुर्शिद की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। ये सिलसिला काफ़ी अरसा तक चलता रहा और ये वजह बनी इनका लकब हज़रत अबू बकर वराक रहमतुल्लाह अलैह पड़ने की। उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप गोशा नशीन हो गए और पीर मुर्शिद की सोहबत व मईयत में कुछ अरसे के बाद आने लगे। उस दौरान आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा मुलाकात की चाहत रहने लगी। आप इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहते और तिलावत कुरान में, ज़िक्र अज़कार में, मुराकबाजात में और तस्बीहात में, मुनाजात में मसरूफ़ रहते, लेकिन आपकी चाहत जो है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए बहुत रहती थी। तो एक मरतबा जब अपने पीर मुर्शिद के पास गए तो उन्होंने जाते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कैफियत को भांप कर फरमाया कि आपने आइंदा कुछ दिन मेरे पास रहना है। तो हज़रत ख्वाजा अबू बकर वराक शहीद पीर मुर्शिद के हुक्म पर उनकी सोहबत में रहने लगे। जब हम उनकी सोहबत में रहने लगे तो वो जो एक बहुत ज़्यादा चाहत थी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात और दीदार की,
वो महक हो गई, खत्म हो गई, वो उनके पीर मुर्शिद किसी हिकमत के तौर पर उनकी वो ख़त्म करना चाहते थे, कोई मकाम था कि उनको वो देना चाहते थे कि अभी अभी देर है, आप उस मकाम को पालो। फिर तो उस मकाम के लिए आपको जब आपने पीर मुर्शिद ने अपने पास रखा तो वो मकाम भी अता फरमा दिया। अब आगे आता है कि उसके बाद आप कई साल तक अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और कई साल तक इबादत करते रहे करते रहे करते रहे कि आप उस मकाम पर पहुँचे कि एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग आपसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए आपके हुजरे में। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि ए अबू बकर, क्या तुम्हें होश है, यानी आप इतने आलम महबीयत में रहकर इबादत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको कोई होश है। तो उन्होंने जवाब दिया हुजूर ख्वाजा अबू बकर बराक रहमतुल्लाह अलैह ने कि मुझे सिवाय मेरे रब के मुझे कोई होश नहीं, सिर्फ मैं अपने रब की, अपने मौला की, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अपने मालिक व खालिक की सिर्फ अनवार व तजल्लियात में गुम रहता हूँ, बस मुझे यही है। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया बारिश सफ़ेद, यानी वो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि क्या तुम्हें खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का इश्तियाक़ था, लेकिन अब इस वक्त कम हो गया है। तो उन्होंने जवाबन फरमाया कि हाँ, वो एक वक्त था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है वो हालत और कैफियत नहीं रही और उनका ख्याल धुंधला सा बाकी रह गया है। वो मर्द कामिल सफ़ेद रेश वाले फरमाया कि मैं खुद खिजर हूँ और तुम्हारी तमन्ना पूरी करने के लिए आया हूँ, मुझे देख लो। यानी आप इस मकाम पर पहुँचे कि खिजर अलैहिस्सलाम ने खुद करम फरमाया और आपके हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए और अपना तआरुफ़ फरमाया और आपकी तमन्ना पूरी करने आया हूँ कि आप मुझे देख लो। और फिर फरमाया कि जिस काम में आप लगे हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में, यही बाकी है, बाकी सब फानी है। जिस काम में आप अल्लाह के जिक्र में, मुनाजात में, तस्बीहात में, मुराकबात में, उम्मत के लिए दुआओं में लगे हो, यही हक है और यही बाकी है, बाकी सब कुछ फानी है। उस रोज़ से जब आप हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर चुके और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आपको दुआ देकर बड़ी बाखुशी तशरीफ़ ले गए, उसके बाद आप पूरे तौर पर वो जो एक दिल की तमन्ना थी पूरी हो गई, उजलत गुजी होकर दर्जे कमाल पर पहुँचे, यानी गोशा नशीनी के इख्तियारी के बाद आप बहुत बड़े दर्जे पर फायज हुए। आपका मज़ार इस वक्त मौज़ा दल्लू तहसील मैसी में है। रोज़ा मुबारक शहनशाह आलमगीर ने 1106 में तामीर करवाया था। तो ये सारा कुछ वैसे तो आपकी बहुत ज़्यादा तफसील है, लेकिन उन्होंने बड़ी मुख्तसर लिखी है। और हुजूर ख्वाजा पीर सैयद मुबक्कर बराक शरीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र हुजूर दाता हुजूर अल मारूफ दाता हुजूर मोहम्मद उस्मान बिन अली अल मारूफ दाता हुजूर ने अपनी मारूफ किताब कशफुल महजूब में भी नाम के साथ किया है। तो ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, इसका मतलब है कि दाता हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के बुजुर्ग हैं हुजूर ख्वाजा सैयद अबू बकर बराक शहीद।